हेलो स्टूडेंट, नई क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 कब तक आ सकता है रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, और इस बार कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में पूरी वीडियो देखिए आप, सब कुछ आपके समझ आ जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन का एक निशान मिलेगा उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फाइनली स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका रिजल्ट है वो किस डेट को जारी हो रहा है। ऑफिशियल डेट जारी कर दी गई है एसएससी के थ्रू, ठीक है, और कितनी अभी कट ऑफ रह सकती है पूरा एनालिसिस वीडियो में रहेगा। दोस्तों अगर हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 की बात करें तो आपके जो एग्ज़ाम थे 2 मई से 20 जून तक कंडक्ट करवाए गए थे। दोस्तों ये जो टोटल थी 57 पारियों में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। 2 मई से 20 जून तक आपके एग्ज़ाम चले और एग्ज़ाम जो चले थे दोस्तों आपके 57 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हुए थे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में, तो दोस्तों इसके लिए वैकेंसी के आधार पर भी आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। तो पिछले सभी आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आपको 2020 से बताऊँगा 2023 तक की कितनी वैकेंसी थी और उसी के आधार पर आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, सब कुछ आपके समझ आने वाला है। देखिए दोस्तों अगर हम एसएससी एमटीएस वैकेंसी की बात करें, 2020 में 3972 वैकेंसी देखने को मिली थी, ठीक है, 2021 में 7739 वैकेंसी थी एसएससी एमटीएस की। और दोस्तों अगर एसएससी एमटीएस 2022 की बात करें तो 12523 वैकेंसी थी इस बार। और दोस्तों 2023 की बात करें जो इस बार वैकेंसी है 1558 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत कम वैकेंसी हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2021 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर करीब 42 लाख फॉर्म फिल हुए थे। कितने फॉर्म फिल हुए थे दोस्तों? 42 लाख फॉर्म फिल हुए थे। और अगर 2022 की हम बात करें 12523 वैकेंसी में दोस्तों 54 लाख के वैभव फॉर्म फिल हुए थे। तो दोस्तों अगर इस आंकड़े के अनुसार करें तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी इस बार, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी इतनी नहीं थी और फॉर्म ज़्यादा फिल होते हैं, ये आप समझ रहे हैं। बट अगर 54 लाख में सभी स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैं आपको फाइनली बता दूं, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, किसी न किसी कारण वंचित रह ही जाते हैं, कुछ और जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं या कुछ एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाते हैं, किसी कारणवश वो एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं। तो फॉर्म तो सब फिल करा लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एसएससी एमटीएस 2022 की कट ऑफ हाई रहने वाली है। अगर आपसे कोई कह रहा है बहुत जीरो लेवल से रहने वाली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ अभी हाई रहने वाली है। दोस्तों अगर हम पिछले सभी आंकड़ों के अनुसार बताऊं मैं आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ 2022 के बारे में, तो दोस्तों अगर EOR है तो 123 प्लस आपकी कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। EWS 121 प्लस जाएगी, ये बिल्कुल 100% एक्चुअल जानकारी है। 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 99% आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इससे अगर कोई काम को कम बता रहा है तो वो सिर्फ आपको बहकावे में ना रहें आप। अब इसमें भी आप गलत कमेंट करेंगे तो देखिए मैं आपको संतावना नहीं दे सकता कि सब बाकी आपकी कम कट ऑफ जाएगी, जो रियलिटी है वो रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बेटा जो है कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। OBC की बात करें तो 119 प्लस वाले ही सेफ माने जाएंगे। SC की बात करें तो 113 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ST में 106 प्लस वाले बिल्कुल सेफ हैं, इससे बढ़कर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप UR हैं तो 123 प्लस हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। EWS के अंतर्गत हैं तो 121 पर आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। OBC की बात करें 119 पर सेफ हैं, प्लस होने चाहिए। SC में 113 प्लस और ST में 106 प्लस। 106 100 प्लस का मतलब है एक दो मार्क से ऊपर ही होने चाहिए। अगर आप 122 या 121 के बैठ जाते हैं तो ये डिक्लेयर होगा वो कट ऑफ जाने के बाद, और कट ऑफ जो आपकी जारी होगी। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं लगातार कि सर हमारी आंसर की सर डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो देखिए मैं बता दूँ आंसर की अभी SSC ने अपनी ऑफिशियल साइट से हाइड कर रखी है, मतलब उसको हटा रखा है, वो आपकी रिजल्ट आने के बाद दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी गलती है कि आप पढ़ाई को लेकर इतने लापरवाह हैं कि आपने अपनी आंसर की चेक नहीं की, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो बट आपकी आंसर की अब जारी होगी रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट से पहले आपकी आंसर की देखने को नहीं मिलेगी, और जो रिजल्ट के बाद जारी होगी वो होगी आपकी फाइनल आंसर की। उसमें किसी तरीके का कोई चैलेंज एक्सक्यूज नहीं चलेगा और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कब तक आ सकता है रिजल्ट, इसके लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो है ये 1 अगस्त के 1 वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगस्त के 1 वीक में, यानी कि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बहुत आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आपको फाइनली मैंने बता ही दिया है SSC की ऑफिशियल साइट है वो SSC
NIC.in है, इस पर आप देखेंगे और जब भी आंसर रिजल्ट आ जाएगा आपका उसी टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी परफेक्ट मैथ्स 4K की ओर से, ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन का निशान लगा है उसको प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, आपके हर एक कमेंट का जवाब परफेक्ट मैथ 4K की टीम की तरफ से जरूर मिलेगा। तो अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टूडेंट।